अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा होप सो आप कैरियर से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक स्टार्ट किया और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया, उसकी दो टाइप्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फिर उसकी फर्दर टू टाइप्स, मशीन लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कौन सी हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं हम क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा जो मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस थी जो के मशीन लैंग्वेज के करीब तक, नियर टू मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज से दूर, फार फ्रॉम ह्यूमंस। इंसानों के लिए समझना मुश्किल, बट मशीन उसको समझ सकती थी। तो बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is near to human language and far from machine language। ये एक ऐसी language है जो कि machine language से दूर और human language के पास है। हमारे लिए समझना easy है because इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। ये इंग्लिश की तरह की स्टेटमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, देयरफॉर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, ये इंग्लिश की तरह और इजी है। और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम तीसरी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। जो हमने बात की लास्ट लेक्चर से, लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया, सिंटैक्स इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। तो जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होती हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं। उसको लिखने का तरीका, जो उसका सिंटैक्स कहलाता है, जो उसके रूल्स हैं उस लैंग्वेज के, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आप इस इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख रहे होते हैं, उसको लिखने के रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। तो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं ग्रामेटिकल rules of any programming language is known as syntax। तो उसका एक syntax होता है और उस syntax को आपने लाजमी follow करना है जब आप अपना program लिखते हैं किसी भी high level language को use करते हुए। अगर आप उस syntax को follow नहीं कर रहे, किसी rule को violate कर रहे हैं, तो फौरन एक एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। और जब सिंटैक्स एरर आ जाता है तो कंपाइलर प्रोग्राम को नॉट कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा आपका, कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करेगा। कंपाइलर उस प्रोग्राम को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में चेंज ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। इसलिए लाजमी है कि आप उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को याद रखें और फॉलो करें। तो हाई लेवल लैंग्वेज इजी है, इंसानों के लिए समझना आसान है। यही वजह है कि प्रेजेंट एज मैनी पीपल
हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, एज़ कम्पेयर टू पास्ट जब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस इतनी पॉपुलर नहीं थी तो तब मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, बट नाउ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही वाहिद लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंड की जाती है कंप्यूटर की तरफ से, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं समझी जाएगी। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो प्रोग्राम, वो कोड जो आप लिखेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फिर क्या होता है, फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक कंपाइलर की, कंपाइलर और ट्रांसलेटर इज रिक्वायर टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटू मशीन कोड। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करना है आपने, तो वी नीड अ कंपाइलर, हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो कंपाइलर वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर देता है उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो हम फिर कंपाइलर उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। देयर आर, और ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मशीन पर डिपेंड नहीं कर रही होती। मैनी टाइप के हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, मैनी टाइप की, और जिनमें से चंद एक मैंने यहाँ लिखी हैं। ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर एक की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक की अपनी खासियत है, स्पेशलिस्ट लैंग्वेज है किसी फील्ड में। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये अच्छी लैंग्वेज है फॉर सिस्टम और कंपाइलर राइटिंग में। आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर बनाना चाहें तो अच्छी लैंग्वेजेस सी एंड सी प्लस इस फील्ड में। जावा अच्छी लैंग्वेज है, बेस्ट है फॉर इंटरनेट और नेटवर्क प्रोग्रामिंग, मीन वेबसाइट्स जब आप बना रहे होते हैं तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो जावा बेहतर लैंग्वेज है, आप इसको यूज़ करें। बेसिक इज यूज फॉर बिगनर्स स्टूडेंट्स, इजी लैंग्वेज है, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग पहले अपने 10th क्लास में एक लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, बेसिक लैंग्वेज फॉर बिगनर्स जो इजी लैंग्वेज है, इसमें रिलैक्सेशन है, मशीन पर डिपेंड नहीं करती, इसमें हमारा फोकस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर होता है रैदर देन उसके ज़्यादा सिंटैक्स को समझने पर। तो इट इज़ गुड लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट्स। सिमिलरली फोर्ट्रान एक अच्छी लैंग्वेज है फॉर मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए, एंड कोबोल बिजनेसमैन की लैंग्वेज कहलाती है फॉर बिजनेस। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी स्पेशलिस्ट लैंग्वेज किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट ही है। सी सी प्लस प्लस सिस्टम और कंपाइलर राइटिंग, जावा नेटवर्क प्रोग्रामिंग, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए फोर्ट्रान मैथ्स, एंड कोबोल फॉर बिजनेस, इसी तरह से। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं जो हमारी तमाम की तमाम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती हैं। तो क्यों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोग इतना पसंद करते हैं, उसमें
प्रोग्राम लिखते हैं इन प्रेजेंट एज, तो कुछ इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स इजी टू लर्न, तो फर्स्ट वन इज बिकॉज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, ये इंग्लिश की तरह की स्टेटमेंट्स से मिलकर बनी एंड नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, देयर फॉर ईजी टू लर्न, ये आसानी से एक प्रोग्रामर एक लर्नर इसमें जो प्रोग्राम लिखना चाहता है उस लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ईजी लर्न। It is easy to learn and write program in high level programming language. High level programming language को सीखना आसान है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं और इसमें ईज़िली आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक तो इसका यह फ़ायदा, यही वजह है कि ज़्यादा लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने पर फोकस करते हैं रैदर दैन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न। देन डीबग, डीबगिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग, डीबग से मुराद होता है, पढ़ के आए थे हम टाइप्स ऑफ एरर में, किसी प्रोग्राम में से कंप्यूटर प्रोग्राम में से एरर को ढूंढना और उसको रिमूव करना, इसका डीबगिंग। तो अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उसमें कोई एरर आ जाता है, मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम में अगर एरर आ जाए, बहुत एरर आते हैं, एरर आ जाए उसको ढूंढना मुश्किल है, आप ढूंढ लेते हैं तो उस एरर को ठीक करना और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और एरर आना शुरू हो जाते हैं। बट जब आप प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो आसानी से आपको एरर ढूंढने में मदद मिलती है, आसानी से एरर ढूंढ लेते हैं, इजी टू डीबग है और उसको ठीक भी कर लेते हैं, तो डीबगिंग में हमें हेल्प होती है हम जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। इट इज इजी टू डीबग आ प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप इजीली, क्योंकि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती है, आप सिंटैक्स एरर है तो देखते हैं कहीं पर सिंटैक्स गलत हो चुका है, सिंटैक्स वो नहीं था जो आपने लिखना था उस लैंग्वेज में, तो आप देख के उसको चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर रीडेबल, ज़्यादा रीडेबल होता है किसी दूसरी मशीन लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज की निस्बत। नेक्स्ट, टाइम सेविंग, टाइम कैसे सेविंग होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं मशीन लैंग्वेज में अगर, तो आपको एक तो प्रोग्राम की लॉजिक को सोचना है कि कैसे ये प्रोग्राम होगा इम्प्लीमेंट करना है, प्लस आपका ध्यान होगा उस लैंग्वेज के सिंटैक्स पे, 01 की फॉर्म में आपने अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम प्लस सिंटैक्स ऑफ द बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1 स्ट्रिंग दोनों पे सोचना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होता है, बट टाइम सेव होता है जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, आपका फोकस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर, लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम पर होता है रेदर देन उसके सिंटैक्स पे, आप उसके सिंटैक्स को, इजी सिंटैक्स है वो आपको आता है, इतना फोकस नहीं कर रहे होते, आप उसकी लॉजिक को सोच रहे होते हैं और लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देते हैं जल्दी से, तो आपकी कंसंट्रेशन भी एक तरफ, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन उस प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ, और आपका टाइम भी सेव हुआ। वी कंसंट्रेट ओनली ऑन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम रैदर देन
इट्स सिंटैक्स, उसकी सिंटैक्स की निस्बत आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है उसकी लॉजिक की तरफ, तो आप उसको लॉजिक की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज वेल डिफाइंड वे, बिकॉज हमने अभी बात की सिंटैक्स इसका इजी होता है, हमारा जब फोकस ही उसकी लॉजिक की तरफ होता है तो हम अपने प्रोग्राम को एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो वी कैन डिफाइन आवर प्रोग्राम इन गुड वे, हम अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड वे होता है हमारे पास, प्लस नो नीड टू अंडरस्टैंड हार्डवेयर, हमें हार्डवेयर के डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारी तमाम की तमाम हाई लेवल लैंग्वेज आर ऑलमोस्ट मशीन इंडिपेंडेंट, लिनक्स सेटिंग भी है हमारी, तो हमें हार्डवेयर का नॉलेज नहीं भी है, आपको हार्डवेयर की इतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, तो आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं विदाउट द डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, वी कैन राइट आवर प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट इज मशीन इंडिपेंडेंट, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन पर डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब मशीन पर डिपेंड नहीं करती, मतलब कि आप एक प्रोग्राम किसी एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटेल के लिए लिख रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के साथ आप उसको मोटोरोला नेक्स वाइज ही किसी अदर माइक्रो प्रोसेसर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता लाइक एनी अदर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज डिफर फॉर डिफरेंट हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, सिंटैक्स क्या है, उसको क्या अच्छी चीज़ें हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज एग्जांपल्स कुछ हमने डिस्कस की, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया कि क्यों इन प्रेजेंट एज मैनी पीपल यूज़ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज टू राइट देयर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये हमारा पूरा लॉन्ग है जो हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो आज पढ़ा, इन दोनों को मिला के हमारे पास एक लॉन्ग आ जाता है जो कि 8 मार्क्स का है, आप इस दोनों को मिलाएं और एक लॉन्ग को प्रिपेयर करें अच्छे से। हमारा चैप्टर यहाँ पर हुआ एंड, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।